पहले खोल के रखा हूँ, मैं से खोलना चाह रहा था। ढाका में आपका स्वागत है। टेम्परेचर है 35। तो हमारे जैसे ही लग रहे हैं आप। इंडिया से ही हो क्या? हम ऐसे ही लग रहा है, इंडिया में ही हैं हम अभी। यार ये तो हमारे जैसे ही है। हम तो कह रहे थे कि बहुत अच्छे जगह जा रहे हैं, तो फिर वापस वहीं पे ले आए तो इंडिया ही। जहां थे वहीं के। बांग्लादेश में क्या है देखने के लिए? जेफलोंग, सजक, सुंदरबन, आगे क्या रखा है? रत्तरगुल, रत्तरगुल, रत्तरगुल और आगे कुछ। वीजा और अनअराइवल भी किस किस के लिए है? अगर आप एयरपोर्ट पे हैं और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। अरे ब्लॉगर? यस, तो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही जैसे ही आप गेट से इधर आएंगे नीचे। थैंक यू वेरी मच। देखो कैमरा ऑन करते ही हमें एक बुक भी मिल गई है। इट्स द टोटल डेस्टिनेशन ऑफ बांग्लादेश। थैंक यू वेरी मच भाई। सेल्फी। आपका इमिग्रेशन चेक होते ही आपको बाहर मिलेगा एक्सचेंज बूथ। इधर ज़्यादा भीड़ लगी हुई है क्या? इधर इधर अच्छा रेट मिल रहा है क्या? सब सेम है। बीस 550 कितने होने चाहिए? 1000 होने चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 लगेज मिल गया है और मनी एक्सचेंज अंदर ही करवा लें तो आपके 500 लगता है जितनी बार आप ATM से निकालते हैं। ऐसा हमें किसी टूरिस्ट ने बताया है। सब बोल रहा है कि यहीं से आप एक्सचेंज करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप, कुछ लोग कुछ भी सामान भर के ले आते हैं, उनके साथ ऐसे होता है। कैसे मिलेगा हमें टैक्सी? कत बोल सर, तो बोल रहा था अभी तो बोल रहा था 1500 कुछ कम कर दो यार, डिस्काउंट कर दो। एक्चुअली सर वीडियो बहुत सेम, थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट कर दो। नेम सर, नेम। आज पहला दिन है, ये बोल रहा है कि इतना जल्दी कैसे मान गया 1500 रुपये? पहले दिन माल जाना चाहिए। 1500 कितने किलोमीटर है यहाँ से? 15 बाहर निकलेंगे आप। 35 का टेम्परेचर है, थोड़ी सी गर्मी है। ये सब लोग आपको मिलने वाले हैं। एक जाला लगाया हुआ है, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, जानवरों को छोड़ते हैं। और ये हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं आज के। आज हम थोड़े रिलैक्स में रहना चाहते हैं, कल से पैसे बचाने का काम कल से करेंगे। पहुंच गए हैं हम लोग।
ये है यहाँ की बस, क्या शानदार बस है भाई। अभी डबल डेकर भी गया था, डबल डेकर बस दिखाएंगे आपको। मोटरसाइकिल पे टैक्सी करना चाहते हैं वो सुविधा भी है। यहाँ पे पुलिस वाले भैया जो हैं बहुत ज़्यादा चेकिंग करते हैं। और सीधा ही क्या मांगा है, पैसा, कागज। बोल दिया उधर आ जाओ, हमने आपका पेपर ले लिया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। चाय कौन सा है यहाँ पे, दूध वाला? दो चाय, दो क्या तीन बनाए। चाय वाली मैडम के पास फोन भी है, तीन चाय बनाएगा दूध वाला। सब अपन के जैसे ही है, इंडिया के जैसे ही है, इधर ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ अलग है, ये सब इंडिया जैसे ही लग रहा है हमको। हम सोच रहे थे यहाँ पे कुछ और होगा। और ये डॉग किसके, आपका है? दो और है। ये कौन सा दूध है, क्रीम डाला है? ये दूध वाला चाय में क्रीम डाला है और चाय बन गया। कुछ पता बोलो नहीं, तुम्हारे वीडियो बता। अरे नहीं सार बोलिया हमने। बांग्लादेश का हमारा डॉगी मिल गया है, अभी हम इसको खोलेगा 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 खोलेगा। आ जाओ बेटा, ये कैसे हैं आप? वाह भाई वाह, इंसान प्यार नहीं करते हमको, कुत्ता प्यार करता है। क्या खाएगा क्या खाएगा? जो टैक्सी एयरपोर्ट से हमने बुक करी थी वो बीच रास्ते में ख़राब हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, हमें दूसरी कार में भेज रहे हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत सेकंड वाली जो है वो थ्री व्हीलर पे आ गई है। थ्री व्हीलर स्पेशल, थ्री व्हीलर है जिसमें हम जेल की तरह चारों तरफ से बंद हो जाएंगे। और मन की इच्छा पूरी हो गई, बाहर से बैठे हुए मैं सोच रहे थे कब बैठे। हम यूट्यूबर का देखा है किसी का, तो हमारा मन कर रहा था बैठने का, तो दिल में इच्छा पूरी होती है ना, जो मन में सोचते हैं मांग लेते हैं वो मिल जाता है। पे तो नहीं करना है मुझे? नहीं, कोई परेशानी नहीं, हो जाता है सबके साथ, हो जाता है। एड्रेस उसको बता दिया, हम कैद हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। 0197 2777 4777 4999 999। हमें जो गेस्ट हाउस टाइप जो मिला है वो इस स्कूल के पास है, बाकी सुबह लोकेशन बता देंगे। बिग बाजार है और इनको 4 बच्चा है, 2 लड़का 2 लड़की और 20 करोड़ यहाँ का आबादी है। देख रहे हैं कितने गर्व की बात है ये। बस ये भी इंडिया की तरह फटने वाला है कुछ ही दिन में, इंडिया से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। खुशबू आ रही है खाने की, क्या बिरयानी बनाया है क्या? क्या है बिरयानी? अरे भाई खिलाने की बात नहीं करना बस। ओहो कंपास,
वीजा लगवाने नहीं है, रहने के लिए आए हम। क्या है दादा? चिकन। चिकन ठीक है। जाली कबाब है। हाँ जाली कबाब। जाली कबाब पता लुची। जाली कबाब ये कितने का है? 45 रुपया दो पीस। लुची लुची ये क्या है? चिकन कंसू सूप। क्या हड्डियों वाला है पानी का है? विनेगर विनेगर है। स्पाइसी नहीं ये सूप। हाँ सूप हड्डियों का है। हाँ चिकन कंसू हड्डियों वाला है। हड्डियों वाला है। पसंद सूप पिएगा? रुपयेगा चिकन फ्राई का चिकन है। अच्छा दो सूप दे दो, दो ये जाली। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। इधर हो इधर बैठने का है। ये सही है यार। यहाँ पे क्या मिल रहा है? सेम है वो भी सेम है। दादा चिकन कॉर्न सूप बहुत ही स्पाइसी बहुत ही अच्छा है। लाइन देखो कैसा लगा हुआ इधर। स्ट्रीट फूड टेस्टी। स्ट्रीट फूड टेस्टी। जाली चिकन कहाँ है? जाली जाली कबाब। जाली है जाली। शायद 50 रुपये 50 रुपये। सासली कबाब स्पाइसी और मीठा दोनों है। आपने जी कैसा था? बढ़िया था। ये पूरा स्वीट है और ये पूरा है ना। ठीक है रेगुलर 50 टका 50 टका 50 टका। ये लो 80 टका। ठीक है खट्टा मीठा 80 टका। खट्टा मीठा और 80 टका। ये खट्टा मीठा ना यार रेगुलर दिखाओ। ये खट्टा ये फुसका रेगुलर का ये वो रेगुलर है नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। ये कह लो स्पेशल बस तो गाओ बस निकल बस यार बस हो चूर मुठे दियो। चम्मच सर खट्टा मीठा
खट्टा मीठा नींबू का खुशबू आता है इसमें, नींबू और किसी चीज़ का टेस्ट आ रहा है। बंगाल में आ जाएं, बांग्लादेश, दिल्ली का जो चाट है उससे अलग है। अस्सी टका जो भी है यहीं पे 80 टका कितना टका इसमें दिख भी नहीं रहा होगा लेकिन लव पॉइंट है, लोग लव यहाँ पे कर सकते हैं। 10 टका 20 टका जो हमने अभी फूड खाया है वो इसके आसपास है। यहाँ पे आपको इसका एड्रेस आ रहा होगा क्योंकि आज हम बिल्कुल ही नए हैं तो हमें ज़्यादा पता नहीं है। इसके आसपास ही स्ट्रीट फूड है सर। सिद्धेश्वरी रोड हमारा इंडिया का नाम है तो सिद्धेश्वरी। चालीस टका नीचे सबसे सस्ता जो आड़े यहाँ का बांग्लादेश का। और मीठा भी बहुत है।